हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज है संडे और संडे के दिन हम लेकर के आते हैं अपना आस्क एमके का एपिसोड, जो पर्सनली मेरा इस पूरे चैनल पर फेवरेट एपिसोड है, जहां पर मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाता हूं, आपके क्वेश्चंस को शामिल कर पाता हूं। तो आप अपने मन की बात जो भी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमेशा, जब भी मैं अपने कम्युनिटी को पोस्ट करता हूँ सैटरडे के दिन, या फिर ट्विटर पर आप कभी भी पूछ सकते हैं #askmk लगा करके और @engineermksingh को टैग कर करके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो ये आया है ट्विटर से, बोला है ऋषु राजवंशी जी, बोलते हैं मोहित भैया 12 के बजट विच मोबाइल शुड आई परचेज। तो भाई 12,000 के अंदर ना इस समय पोको M2 प्रो मिल रहा था फिलहाल, उसकी तरफ जाने में ये फायदा है कि आपको प्रोसेसर काफ़ी अच्छा मिल जाता है, स्नैपड्रैगन का 720G मिल जाता है। बट अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो MIUI 12 है, जाहिर सी बात है कि उसमें बग्स वगैरह काफ़ी है, तो आप MI की तरफ नहीं जाना चाहते तो आप कोई दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, लाइक माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की तरफ जा सकते हैं, जो मेरे ख्याल से 11,000 में 4+64 का बहुत ही अच्छा फ़ोन है, आप इसकी तरफ जरूर ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी तरफ से काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्स इस फ़ोन को मिल रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूछते हैं नितिन मीना जी, बोलते हैं कि डेली कितने डॉलर्स आ रहे हैं भाई। तो भाई अभी क्या है कि यार अर्निंग थोड़ी कम हो गई है, ये फिलहाल जनवरी फरवरी का जो मौसम है यहाँ पर अर्निंग डाउन ही रहती है, तो मेरा अभी 0.8 इसका एवरेज मान सकते हैं आप, अभी 0.8 आ जाता है, कभी $1 आ जाता है, कभी 1.3 तक पहुँच जाता है, तो मतलब फ्लक्चुएट करता है। बट अगर हम ऑन एवरेज कहें तो 0.9 आप इस समय मान सकते हैं कि मेरा जो पर डे का डॉलर है वो बन रहा है, जो ज़्यादा नहीं है, जाहिर सी बात इतनी मेहनत करते हैं उसके हिसाब से काफ़ी कम है। अगला क्वेश्चन आता है गणेश बरसागले जी का, बोलते हैं कि MIUI को इस पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो बाय बाय MI, MI 12 में काफ़ी ज़्यादा बग्स हैं फीचरिंग पोको M2 Pro। और यही बात मैं बोल रहा था कि MIUI 12 में काफ़ी बग्स देखने के लिए मिल रहे हैं, इनका जो 12 वाला वर्जन है स्पेशली उसमें काफ़ी ज़्यादा बग्स देखने के लिए मिले हैं लोगों को, अब मुझे भी पर्सनली मिलते हैं, तो ये यहाँ पर इनको काम करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा इनको अपडेट के थ्रू, वरना फिर बहुत दिक्कत हो सकती है इनके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से इन फ़ोन को नॉट रिकमेंडेड लिस्ट में रखने लग गए हैं अब, क्योंकि यहाँ पर MIUI 12 का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है इतना अच्छा नहीं बन पा रहा है औरों के कंपैरिजन में। बात करते हैं अगले कमेंट की, आता है रॉयल देसरी की तरफ से, बोलते हैं क्या अभी ASUS ZenFone Max Pro M2 8,000 में मिल रहा है तो लेना सही है। भाई देखो बहुत पुराना फ़ोन हो गया यार, और जाहिर सी बात है कि इसका एंड्रॉयड वर्जन भी कम होगा, इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि फ़ोन को लॉन्च हुए काफ़ी समय हो चुका है। तो मेरे ख्याल से कोई नया फ़ोन ट्राई करो यार, 8,000 में काफ़ी अच्छे फ़ोन्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ओल्ड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं मिलेंगी एटलीस्ट 2 साल या फिर 2.5 साल तक कोई कंपनी प्रोवाइड करती है, इससे ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक क्लू की तरफ से, बोलते हैं सर सैमसंग गैलेक्सी F62 5G फ़ोन नहीं होगा ना भाई? मुश्किल है, अभी अगर 5G होता तो जो टीजर वगैरह आया हुआ है उनका, उस पर वो साफ हिंट दे देते कि ये 5G है, पर सब कुछ देखकर पेज देखने के बाद यही लगता है कि ये एक 101% 4G फ़ोन होने वाला है, स्पेशली इन इंडिया। अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पर रॉयल देसी की तरफ से ही, बोलते हैं रेडमी 6A वर्सेज लावा Z61 Pro वर्सेज जियोनी F8 Neo। तो भाई इन तीनों में मैं कहूँगा कोई सा ही बाय ना करें, बट अगर आपको इन्हीं में से बाय करना है फिर भी कहूँगा लावा Z61 Pro आप बाय कर सकते हैं, काफ़ी ठीक ठाक डिवाइस है, मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है, बट अगर आप थोड़ा सा बजट अपना इंक्रीज कर सकते हैं तो माइक्रोमैक्स इन 1 भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यदुनाथ जी का, बोलते हैं कि डाटा साइंटिस्ट कैसे बने, 10th के बाद क्या करें, क्या होता है ये, एक्सप्लेन इन डिटेल। भाई डाटा साइंटिस्ट का काम होता है जो भी हमारा डाटा है उसको एनालाइज करना, लाइक सब हरकतों पर नज़र रखते हैं, आपके डाटा को एनालाइज करते हैं, कि कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स बनाते हैं कि आप अपने मोबाइल पर जो चीज़ सर्च कर रहे हैं बाय करने के लिए वही आपको एड्स वगैरह भी दिखाई दे, तो यही काम होता है डाटा साइंटिस्ट का, और जिसके लिए आपको 10th के बाद साइंस लेनी पड़ेगी, स्पेशली मैथ, और उसके बाद आराम से CS से आपको BTech करना पड़ेगा, या फिर आप BCA वगैरह उसके MCA करने के बाद भी डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है गणेश बरसागले की तरफ से ही, बोलते हैं कि MK सर मेरा फ़ोन Redmi 8A Dual अचानक स्विच ऑफ हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो भाई ये कोई बग्स हो सकता है या फिर आपके फ़ोन के अंदर कुछ मालवेयर ऐप वगैरह होगी जो आपके फ़ोन को सही नहीं होने दे रही है, तो आप एक काम करो अपने फ़ोन को रिसेट कर लो, हार्ड रिसेट इसको बोलते हैं, तो एक बार बिल्कुल बढ़िया करने के बाद फ़ोन आपका एकदम नया हो जाएगा, और उसमें फिर आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगी उतनी फेस करनी नहीं पड़ेंगी। फिलहाल अभी तक तो इतने बग्स देखने के लिए नहीं मिले हैं, हो सकता है कि MIUI 12 जो आया है नया उसमें इतने बग्स आ रही हों, बट अभी तक मेरे पास MIUI 12 का अपडेट नहीं आया है तो मैं उसके बारे में बता नहीं सकता। अगला क्वेश्चन आया है अनिल जी की तरफ से, बोलते हैं कि अनिल कसाबे नाम है भाई का, बोलते हैं कि व्हाट इज बेस्ट फॉर वॉच यूट्यूब वीडियोस एंड प्ले 150 गेम्स इन इन्फिनिक्स स्मार्ट 5। मतलब पूछना चाह रहे हैं कि इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 जो लॉन्च हुआ है उसके अंदर क्या हम
150 MB तक का गेम खेल सकते हैं, तो आप ऑफकोर्स खेल सकते हैं उसके अंदर 150 MB तक का गेम, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यूट्यूब की वीडियोज़ भी आराम से वॉच कर सकते हैं। 6000 mAh की बैटरी है यार, और ऊपर से आपको 6.8 इंच की डिस्प्ले मिलती है, तो आप फुल डे आराम से एंजॉय कर सकते हैं, छोटे मोटे गेम्स आराम से प्ले कर पाओगे। मीडियाटेक का हीलियो G25 उसके अंदर, इतना बुरा प्रोसेसर नहीं है, काफ़ी ठीक प्रोसेसर है, और छोटे मोटे गेम्स आपके अच्छे से प्ले कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आकाश सैनी जी की तरफ से, बोलते हैं कि भाई सैमसंग गैलेक्सी F62 मोबाइल कैसा है और कब लॉन्च होगा, क्या ये M51 से बेटर है? सुनने में तो आ रहा है कि M51 से बेटर है, क्योंकि प्रोसेसर काफ़ी अच्छा होने वाला है इसका। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 730G से अच्छा होगा, बट रियल टाइम में कितना इतना परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा वो देखने वाली बात है। और फ़ोन अभी 15 फेब को लॉन्च हो रहा है F62, एक 4G फ़ोन होने वाला है, परफॉर्मेंस काफ़ी गजब की होगी, तो आप इसकी तरफ ट्राई कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा कॉस्टली भी हो सकता है M51 के कंपैरिजन में, बट हाँ M51 से बेटर ही है ये फ़ोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है यहाँ पर ब्रिज के टेक्निकल जी की तरफ से, बोलते हैं #AskMK, इंजीनियर्स हमेशा सिंगल ही क्यों होते हैं, क्या आप भी सिंगल हो? तो भाई ऐसा कुछ है नहीं, कहावत प्रचलित है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि इंजीनियर्स सिंगल ही होते हैं। दिक्कत क्या है कि यार आप जब स्पेशली फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, उनकी आप बात कर सकते हैं कि वो मोस्टली सिंगल होते हैं, या सिविल इंजीनियर्स वो मोस्टली सिंगल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके जो कॉलेज वगैरह हैं उसमें गर्ल्स वगैरह नहीं होती हैं। इस ब्रांच में बहुत ही कम गर्ल्स होती हैं, बट CS हो गया, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स देखने को मिलती हैं। IT है, इनमें ज़्यादा गर्ल्स हैं, तो इंजीनियर्स हमेशा सिंगल नहीं होते, बट हाँ मोस्टली केस में आप कह सकते हैं कि इंजीनियर सिंगल होते हैं, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन आया है यदुनाथ जी की तरफ से, बोलते हैं कि MKG हमको हैवी टास्क करते हैं तो मोबाइल में तो उसकी परफॉर्मेंस कोर्स इनेबल होती हैं, क्या एफिशिएंसी कोर्स उस टाइम बंद हो जाती है? ऐसा नहीं है कि भाई एफिशिएंसी कोर्स उस टाइम बंद हो जाती हैं, एफिशिएंसी कोर्स तो आपकी 24 आवर्स काम करती रहती हैं, इवन जब आपका फ़ोन बंद हो जाता है तब भी एफिशिएंसी कोर्स काम करती हैं। मतलब आपका फ़ोन अगर ऑफ है, आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तब भी एफिशिएंसी कोर्स जिंदा हैं और वो अपना काम करे जा रही हैं। वही आपके जितने भी बैकग्राउंड में काम चल रहे हैं वो सब वही मैनेज करती हैं। जब आपको कुछ हैवी टास्क करना होता है, लाइक आप गेमिंग कर रही हैं, तब आपकी वो एफिशिएंसी कोर्स रहेंगी, और गेमिंग आपके चालू करने के लिए जो परफॉर्मेंस कोर्स हैं उनको दम लगाना पड़ेगा, वो वर्क करना स्टार्ट कर देंगी। एडिटिंग कर रहे हैं, एक्सपोर्टिंग कर रहे हैं, तब उन चीज़ों को काम करना पड़ता है, परफॉर्मेंस कोर्स जो होती हैं तब वो इनेबल कर दी जाती हैं, बट हमेशा से परफॉर्मेंस कोर इनेबल नहीं रहती हैं, लेकिन हाँ एफिशिएंसी कोर 24 आवर्स आपकी इनेबल रहती हैं। अगला क्वेश्चन आया है जुनाद जी की तरफ से, बोलते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी A31 वर्सेस पोको X3 विच शुड बाय under 20K? तो भाई इन दोनों में पोको X3 काफ़ी अच्छी डिवाइस है, सैमसंग गैलेक्सी A31 से काफ़ी अच्छी है, बट अगर आपको under 20K फ़ोन बाय करना है तो थोड़ा वेट कर लो, हो सकता है कि आपको रेडमी नोट 10 प्रो 5G अंदर देखने के लिए मिल जाए 20 के से नीचे ही, और परफॉर्मेंस भी काफ़ी गजब की हो सकती है उसके अंदर, पोको X3 से बेटर स्पेक्स उसके अंदर हो सकते हैं, तो वेट तो बनता है बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेक्निकल अतुल यादव जी की तरफ से, बोलते हैं कि हेलो सर जी नमस्ते, तो कैसे हैं आप? सर आप एक वीडियो बनाओ, उतरेटिया टू आलमनगर बाईपास रूट वर्क चल रहा है, प्लीज़ उसकी वीडियो एक बार हमें भी जानकारी दो, कौन सी ट्रेन चलेगी इस रूट पर। तो भाई इसके बारे में अपनी जो ट्रेन वाला चैनल है उसके ऊपर बता दूंगा आपको सेपरेट वीडियो बना करके, आप टेंशन मत लीजिएगा। बाकी जो अभी हाल फिलहाल कंडीशन है वो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है आलमनगर स्टेशन की, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आलमनगर पर कितना वर्क जो है वो चल रहा था और कितना उस टाइम तक कंप्लीट हुआ था। अगला क्वेश्चन है यदुनाथ जी की तरफ से, बोलते हैं कि व्हाट इज़ Wide 1 L1? मैंने सही से नहीं बोला शायद, ये होता क्या है, मोबाइल में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? तो भाई ये जो है ये है एक संस्था जो DRM सर्टिफाई करती है, और ये डिसाइड करती है अगर आपके जो डिवाइस है वो Wide 1 L1 सर्टिफिकेशन पर है। आप अपने मोबाइल पर जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है, स्पेशली जो प्राइम वीडियोज़ होती हैं, अमेजोन की प्राइम वीडियो है, नेटफ्लिक्स है, मतलब जितने भी आपके OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर आपकी जो कंटेंट है वो फुल HD में डिस्प्ले होगा या फिर नहीं होगा। अगर आपका जो मोबाइल है वो सर्टिफाइड नहीं है Wide 1 L1, तो आपकी डिस्प्ले अगर फुल HD भी है तब भी आप अपने जो कंटेंट है वो फुल HD में वॉच नहीं कर सकते OTT प्लेटफॉर्म्स पर। ये एक इसका इफेक्ट होता है जो मोबाइल पर पड़ता है, तो इसके लिए सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है, और ये सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपकी जो डिस्प्ले है वो कैपेबल है तो सॉफ्टवेयर के थ्रू आ जाता है। Poco F1 में ऐसे ही हुआ था, Poco F1 सर्टिफाइड नहीं था Wide 1 N1, बाद में उसको सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू Wide 1 L1 का सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था। क्वेश्चन आता है यहाँ पर
एम जी वाइपर की तरफ से बोलते हैं, शादी किए हो पोको एक्स थ्री वर्सेस रियलमी सेवन। तो भाई अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है फिलहाल, पोको एक्स थ्री वर्सेस रियलमी सेवन में मैं पोको एक्स थ्री को चूज़ करना चाहूँगा। चौहान मेरू सिंह जी बोलते हैं, ब्रो मीडियाटेक डायमेंसिटी 820 प्रोसेसर वाले फोन्स इंडिया में कब आएंगे? भाई मुझे नहीं लगता कि यार डायमेंसिटी 820 वाले फ़ोन इंडिया में अब आएंगे भी, क्योंकि यहाँ पर 800U काफ़ी अच्छा चिपसेट आ गया है और 800U स्पेशली इंडिया के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको नेविक का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है इस प्रोसेसर में। 820 में और 800U में इतना ज़्यादा फर्क तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यदुनाथ जी का, ये बोलते हैं लियोन बैटरी और ली पॉलीमर बैटरी कौन सी बेस्ट है? भाई बैटरी दोनों बेस्ट हैं, दोनों में कोई भी कमी नहीं है। कुछ लियोन बैटरी के जो प्लस पॉइंट हैं वो हैं, कुछ ली पॉलीमर के प्लस पॉइंट हैं और कुछ दोनों के नेगेटिव पॉइंट है। अगर बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की तो डेंसिटी आपको ज़्यादा में देखने को मिलती है लियोन बैटरी में। अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की तो कॉस्ट भी काफ़ी कम है ली आयन बैटरी की। अगर हम बात करते हैं ली पॉलीमर बैटरी की तो ये लाइट वेट होती है, आप इसको किसी भी डिज़ाइन कर सकते हैं, तो अपने अपने बेनिफिट्स हैं दोनों के। और वैसे ही मोस्टली आपको जो बैटरीज मिलती हैं वो ली आयन बैटरी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ये सस्ती होती हैं एक मैन्युफैक्चरर के लिए बनाना भी। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो करते हैं जहाँ पर आपको इसके डिटेल्स में प्रोज एंड कॉन्स दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, तो ये इसके लिए एक वीडियो आएगी, उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हिमांशु दीपक जिब्बू ने, जो बोलते हैं सर आई हैव ए क्वेश्चन, इज इट ट्रू दैट नाउ रेलवे इज कन्वर्टिंग राजधानी ट्रेन्स इन स्लीपर तेजस एक्सप्रेस, इफ इट विल बी रियलिटी देन डेफिनेटली इट विल इफेक्ट फेयर्स एज वेल। भाई अभी तक तो ऐसा नहीं कन्फर्म कहा है रेलवे ने, कोई भी उनका बयान नहीं आया, बट हाँ कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, रेक्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं, तब राजधानी में लगा दिए जाते हैं तेज के रेक्स, लाइक जैसे कि अभी अगरतला राजधानी में हुआ है। तो उसके लिए आने वाले टाइम में अगर ऐसा होता है, आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ती हैं, तो मेरे ख्याल से फेयर थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो सकता है, बट ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि आपको सर्विस ज़्यादा बेटर देना उतने ही प्राइस में, ये रेलवे की प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि आप ज़्यादा पैसे दो और रेलवे आपको कम सर्विस दे, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से किराया वगैरह थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बट हाँ आपको जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर ट्रेन एडवेंचर जी का, बोलते हैं कि एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ रेडमी नोट 10 प्रो 5G एंड आल्सो एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन। तो भाई इस बार मुझे लगता है कि जो हमारा रेडमी नोट 10 प्रो 5G है उसके अंदर मे भी शायद सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी जो 4G वाला वेरियंट होगा उसमें आपको वही IPS देखने के लिए मिलेगी, स्नैपड्रैगन 750G आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये प्रो वाली बात कर रहा हूँ मैं, जो प्रो 5G है उसकी बात कर रहा हूँ, इसकी जो प्राइस है मेरे ख्याल से अगर सुपर एमोलेड होती है इसके अंदर तो ये जाएगा 19999 तक, और सुपर एमोलेड नहीं होती है तो ये 17999 के आसपास ही रह जाएगा, जो मेरे ख्याल से काफ़ी ठीक होगा, और इसमें 108 मेगापिक्सल के आने की भी पूरी पूरी उम्मीद है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, फाइनली 10 मार्च को हमें पता लग ही जाएगा। तो बस ये थे आप सबके क्वेश्चंस, उम्मीद है कि आपको सभी के आंसर्स मिल गए होंगे, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ करके आंसर देने में। कोशिश की है मैंने कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, कम्युनिटी पर जितने भी क्वेश्चंस आए थे मैंने सभी को रीड किया है और सभी के आंसर्स दिए हैं। आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो। बाकी अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन पूछना है #AskMK लगाकर ट्विटर में मुझे टैग कर सकते हैं, आपको यहाँ पर उसकी IDMIL जाएगी। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।